हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिमी। आप सबके इतने लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो पे इतना लाइक्स देने के लिए भी थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे आप देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती पीस डिजाइन। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर है, दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट वर्क, और इसको बनाना भी उतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप देखेंगे जो इस वीडियो पे, और इसको मैंने कुर्ती के ऊपर, कुर्ती पीस के ऊपर किया है। आप चाहे तो इसको सूट के ऊपर भी कर सकते हैं या फिर कोई टॉप के ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ कुर्ती के ऊपर आपको पेंसिल से आउटलाइन करना होगा। मैं यह यॉक नेकलाइन कुर्ती के ऊपर कर रही हूँ, आप कलरिंग पेंसिल से भी आउटलाइन कर सकते हैं। अब हमें फ्लैट ब्रश यूज़ करना होगा, और कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट और डीप ब्रिल पर्पल कलर। सॉरी, यहाँ डीप ब्रिल लिखा हुआ है, यह डीप ब्रिल होगा। अब पहले यहाँ हमें फ्लावर की पेंटिंग करना है। ब्रश को बस हल्के हाथ पे आपको घुमाना है, पहले बाट की पेंटिंग करना है ऐसे। अब यहाँ एक पत्ती की पेंटिंग करना है ऐसे। आप देख सकते हैं कितनी आसान है। सारे फ्लावर हमें एक जैसे नहीं करना है, इसको हम सिर्फ बड बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ सिर्फ एक पत्ती होगी ऐसे। ये लेफ्ट साइड पे मैं पहले पेंटिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैंने राइट साइड पे करूँगी। मैंने यहाँ सिर्फ आपको लेफ्ट साइड की पेंटिंग ही दिखाऊँगी, क्योंकि वो सेम ही है, नहीं तो एक चीज़ दो बार दिखाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। इसलिए मैं यहाँ सारे फ्लावर एक कलर नहीं करूँगी। मैं यहाँ कुछ कुछ फ्लावर आप देख सकते हैं, यहाँ मैं छोड़ के कर रही हूँ, क्योंकि उसको मुझे और दूसरे कलर से पेंट करना है। ये पेंटिंग को और खूबसूरत दिखाएगी, इसलिए आप अपने पसंद के कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे मुझे क्वेश्चन करते हैं ये कलर कहाँ मिलता है। यहाँ मैं लोटस की पेंटिंग कर रही हूँ, ये एकदम सेंटर पे है नीचे। यहाँ मेरी कैमरा बहुत ब्लर हो रही है, आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली पेंटिंग और कैमरा में खुद ही, मतलब पेंटिंग जब करती हूँ तो कैमरा की ध्यान नहीं देख पाती हूँ, आई एम वेरी सॉरी। करने के टाइम एकदम ध्यान नहीं होता है। एक्चुअली मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो जब भी सोता है तो मैं जल्दी जल्दी पेंटिंग कर लेती हूँ, तो इसलिए ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का प्रॉमिस मैं ख्याल रखूंगी ऐसे ब्लर ना हो जाए। यहाँ नेकलाइन की बस मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे आपको समझ आए कहाँ नेकलाइन है, इसलिए। अब यहाँ छोटे छोटे फ्लावर की पेंटिंग करना है। आप ब्रश की बैक साइड पे कलर लेके भी कर सकते हो, छोटे छोटे डॉट्स, वो भी अच्छा लगेगा। पहले बिब्रिल कलर से कर रही हूँ, उसके बाद साइड पे छोटी छोटी जगह छोड़ना है, स्काई कलर से हमें करना है, मतलब आप जो दूसरा कलर आप यूज़ करोगे उससे करना है। ये कलर मैं जो बोल रही थी, ये कलर मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, कोई भी स्टेशनरी शॉप पे या कोई, हाँ ऐसे मिल जाएगी आपको। और नहीं तो आप ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। दो साइड पे हमें सेम फ्लावर बना लिया है, और अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्काई ब्लू और वाइट कलर। जहाँ डीप ब्रिल कलर था वहाँ मैं स्काई ब्लू यूज़ कर रही हूँ। सेम प्रोसीडियर से फ्लावर की पेंटिंग करना है ऐसे। अगर आप पहली बार फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही है तो मैं आपको बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी आप पहले एक दो बार ड्राइंग बुक के ऊपर कर लीजिए, उसके बाद ही कोई कपड़े के ऊपर कीजिए। आप कॉटन की फैब्रिक के ऊपर कलर कर रहे हैं तो आप नॉर्मल एक्रेलिक कलर से कर सकते हैं। अगर आप कोई भी मतलब सिल्क या रेयन सिल्क के ऊपर करना चाहते हो तो आप पार्ल मेटालिक कलर से कलर कर सकते हो, उसके ऊपर ऐसे नॉर्मल एक्रेलिक कलर से पेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ जहाँ छोटे छोटे गैप है वहाँ हमें स्काई ब्लू से ऐसे छोटे छोटे फ्लावर की पेंटिंग करना है। आई एम वेरी सॉरी, मैं अभी देख रही हूँ इतनी ज़्यादा ब्लर हो रही है ना, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं और एक बार बोल रही हूँ, प्रॉमिस मैं ध्यान रखूँगी। अब ऐसे फ्लैट ब्रश से आप लीव्स की पेंटिंग कर सकते हो ऐसे, या राउंड ब्रश से भी कर सकते हो। पहले हमें ब्रांचेस की पेंटिंग करना है, मैं यह राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ 0 नंबर की। पहले लेफ्ट साइड की मैं कर रही हूँ,
और कलर के लिए मैं टर्कवाइज ब्लू यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरी फेवरेट शेड है। ये मुझे बहुत पसंद है ये कलर। या लीव्स के लिए मैंने अभी ये फिल नहीं कर रही हूँ, ये बाद में करूँगी। अगर आप फ्लैट ब्रश से यूज्ड तो नहीं है ऐसे लीव्स के लिए, तो आप ऐसे पहले आउटलाइन करके उसके बाद कलर को फिल कर सकते हैं। बट फ्लैट ब्रश से क्या होता है, काम एक बार में ही हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। आफ्टर पेंटिंग ये कलर कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सारे डिज़ाइन मैं अपनी ड्रेस के ऊपर करती हूँ, कुछ नहीं होता है। और मैं एक ड्रेस बहुत बार पहनती हूँ, वॉश भी करती हूँ। बट इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आप हैंड वॉश कीजिए नॉर्मल, आप मशीन वॉश नहीं कर सकते, इसके ऊपर आप स्क्रब नहीं कर सकते। और भी आपको जानकारी चाहिए तो मेरी दो वीडियोस है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप चाहे तो उसे एक बार देख सकते हैं कैसे इसको आफ्टर पेंटिंग कैसे इसको मेंटेन करें। और भी आपको जानकारी चाहिए तो मेरी एक नई ब्लॉग की चैनल है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे आप प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर देखिए। और रिसेंट मैंने एक वॉल पेंटिंग की जो कि बहुत ही खूबसूरत है, उसको आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये तो हो गई, अब मैं यहाँ फ्लैट ब्रश से लीव्स की पेंटिंग करूँगी। अब किसी किसी लीव्स के आप देख सकते हैं, मैं बीच में गैप रख रही हूँ और किसी किसी में गैप नहीं रख रही हूँ, क्योंकि सारे एक जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप सब इक्वल कर सकते हैं। ऐसे फ्लावर के नीचे एक दो ऐसे लाइन कर दूंगी नॉर्मल ऐसे। अगर आपको लग रहा है कहीं जगह थोड़ी सी ज़्यादा खाली लग रही है आपको, तो वहाँ आप एक दो लीव ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है। जहाँ अपने पहले पेंसिल से ड्राइंग की और नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैंने भी बहुत सारी जगह मुझे जहाँ ज़्यादा खाली लग रही मैंने कर दी, जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ, यहाँ भी आप भी ऐसे कर सकते हैं। আর যদি তোমরা বাঙালি হও, তোমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কোনো ব্যাপার না, বাংলাতে লিখতে পারো, যা যা প্রবলেম যা কিছু জানতে চাও লিখতে পারো। তো ইহা ভি হমে করনা হ্যায়। अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। अब यहाँ फ्लावर के आप देख सकते हैं इसके सेंटर पे छोटे छोटे वाइट डॉट्स, जो कि मैंने ब्रश की बैक साइड से कलर लेके कर रही हूँ। अब ये फ्लावर एकदम कंप्लीट लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है आप देख सकते हैं। अब यहाँ राउंड ब्रश से कलर लेके यहाँ फ्लावर के ऊपर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स इसको और भी खूबसूरत बनाएगी। आप अपने ड्रेस के ऊपर इस पेंटिंग को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। और अच्छी नहीं भी लगे, कहाँ मुझे और इम्प्रूव करना है, आप वो भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक से काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसे छोटे छोटे ऐसे दे दूंगी, ये तो लीव्स तो नहीं है, ये और भी फुल फिल दिखाने के लिए अच्छा लगता है। ऐसे डिज़ाइन कोई भी कंप्लीट हो, एकदम भरा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड टाइम, सी यू सून, बाय।